नमस्कार दोस्तों, मैं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे धूप में मीटर खोलने का, जो गर्मी के दिनों में धूप का मीटर खोलने का जो प्रक्रिया है, कितना सनसलाइजर, कितना सोनाकोट इन और कितना टाइमिंग, इन सभी बातों पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके पास जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है मीटर खोलने की, और ये प्रॉब्लम वाजिब है, ये प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं, तो अगर हम वीडियो बनाकर भेजते हैं आप लोगों के पास अपलोड करते हैं, तो थोड़ा अपने अंगूठे को तकलीफ दीजिए और आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हम लोगों को कुछ सपोर्ट मिलता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गर्मी के दिन में, क्योंकि अभी गर्मी का दिन शुरू हो चुका है और ये लगभग नवंबर तक ये मौसम इसी तरह से चलता रहेगा, अक्टूबर नवंबर तक ये मौसम इसी तरह से चलता रहेगा। तो इसी विषय पे हम बात करेंगे कि अब इन समय में देखिए जो हमारा मीटर खोलने का जो भी प्रक्रिया होता है स्क्रीन का, इसमें जो हमारा सूर्य की रोशनी होती है वो बहुत बड़ी मायने रखती है कि वो ज्यादा है या कम है। तो चलिए देखिए ये हमारा एक फ्रेम हो गया। वैसे मैंने अपने चैनल पे 180 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि 40 वीडियो ऐसे हैं जो केवल मीटर खोलने पे ही है, जो स्क्रीन का मीटर है वो मीटर खोलने पे ही है। चाहे वो धूप में मीटर खोलना हो या आपको लाइट बॉक्स पे मीटर खोलना हो, तो उसी पे पूरी तरीके से हम 40। लेकिन अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, जो लोग नए आते हैं केवल वही वीडियो देख लेते हैं, उनको चाहिए कि वो चैनल पे जाते और जो हमारा थंबनेल होता है वही वीडियो होता है, इसमें किसी तरह की कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो जिन लोगों को भी कुछ कम समझ में आए या नए जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो एक बार चैनल पे जाए और उसको स्क्रॉल करते हुए थंबनेल के हिसाब से और अपने जरूरत के हिसाब से वो वीडियो को देखे, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन होगा और बेहतरीन जानकारी होगी। और दूसरी बात कि आप लोग कोशिश करेंगे, आप लोग काम करेंगे तभी जाकर होगा, केवल कमेंट करते रहेंगे तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। और काम को आप शुरुआत कर देंगे तो आपका स्किल डेवलप होता जाएगा और स्किल के साथ साथ मेरा सपोर्ट भी रहेगा, और इसके साथ आप बेहतरीन तरीके से आप स्क्रीन खोलना सीख जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये हमारा 12x15 का जो है फ्रेम हो गया, हम इसी को मान लेते हैं। और जो भी कोटिंग वगैरह करने की प्रक्रिया है, मैं केवल आप लोगों को थ्योरिकल बता रहा हूँ, कोटिंग वगैरह करने की प्रक्रिया है या तो आप जानते होंगे या आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। देखिए ये हमारा सनसलाइजर हो गया, इसको हमने 100 ml पानी में, ये डिब्बा जो है 100 ml पानी का है, दो पुड़िका जो आता है उसका पुड़िका, इसमें हमने पैकेट डाल रखा है और उसको मिक्स कर दिए है। और ये हमारा हो गया सोनाकोट। देखिए अब सोनाकोट हम अपने फ्रेम के अनुसार, कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हमें अंदाज नहीं आता है कि एक फ्रेम में कितना लगेगा, तो चलिए ये भी हम बता देते हैं। देखिए एक ढक्कन ले लीजिए, इस तरह का ये बिस्लेरी वगैरह पानी का ढक्कन है, इस हिसाब से आप लोग ढक्कन ले लीजिएगा ऐसा, और ढक्कन में दो ढक्कन आप सोना कोट अगर डाल देते हैं तो 12x15 के फ्रेम में वो सफिशियंट आ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। अगर कुछ बचता भी है तो उसमें रहने दीजिए, आप उसे दोबारा दूसरे दिन यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी दिन अगर कोई फ्रेम बनाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, उसके ऊपर की तरफ में जो है वो गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए आप उसको कोटिंग करेंगे तो वो थोड़ा सही नहीं होगा, उसमें लाइनिंग या उसमें जो है वो मकड़े का जाल होता है उस तरह से बन जाता है, तो वहां पे अगर आपका लेटर पड़ेगा तो वो सही नहीं होगा। तो चलिए तो आप उतना ले लेंगे, इससे दो ढक्कन एक ग्लास में, एक छोटा सा ग्लास रखिएगा। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि शीशे का ग्लास चलेगा, स्टील का, भाई आप ग्लास उसको लेने के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कि आप यही ग्लास यूज कर सकते हैं। शीशे का ग्लास हो, प्लास्टिक का ग्लास हो, स्टील का ग्लास हो या चांदी का ग्लास हो, किसी चीज का ग्लास आप यूज कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आप एक ग्लास में इस तरह के ढक्कन में दो ढक्कन आप सोना कोट निकालिए, दो ढक्कन निकालने के बाद आप उसमें 10 से 15 बूंद, अगर इस हिसाब से मिलाए हैं
50 ml पानी में, ये तो 100 ml है, 100 ml में दो पैकेट आपको मिलाना पड़ेगा सनसिलाइजर। अगर आप 50 ml में मिक्स करते हैं तो एक पैकेट ही मिक्स कर लेंगे तो वो सही रहेगा। तो इसमें 10 से 15 बूंद, अभी आज का जो गर्मी का मौसम है इस हिसाब में 10 से 15 बूंद आप 12, 13, 14, 15 बूंद तक कर सकते हैं, और फिर उसको सही तरीके से मिक्स करके उस ग्लास में, और आप स्केल से जब इस पे कोटिंग कर देंगे, कोटिंग करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे तक अंधेरे में छोड़ देंगे। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए, कई बार लोग पूछते हैं कि भाई कोटिंग करने के बाद अंधेरे में रखना है कि धूप में रखना है। नहीं, कोटिंग करने के तुरंत बाद आप उसको अंधेरे में रखना है, क्योंकि धूप में वो तभी रखा जाता है जब आपको मीटर खोलना होता है। तो कोटिंग करने के तुरंत बाद आप उसे अंधेरे में रख दें, या आपके पास पंखा वगैरह या वो हेयर वगैरह सुखाने का आता है उससे भी आप सुखा सकते हैं। पंखे पे आप रख देंगे तो 5 से 7 मिनट में आपका जो स्क्रीन है वो सूख कर रेडी हो जाएगा। उसके बाद से आप उस पे ट्रेस वगैरह, सोखता वगैरह ये सब रखकर, और धूप में आप उसे 20 से 25 सेकेंड, आप लोग टाइमिंग याद रखिएगा, 20 से 25 सेकेंड। जैसे अगर आपको ये थोड़ा मान लीजिए कि 20 से 25 सेकेंड रखते हैं तो इतने में आपका मीटर खुल जाएगा। अगर आपकी सारी प्रक्रिया सही होगी तो 20 सेकेंड में ही आपका मीटर खुल जाएगा। आप उसको मोबाइल वगैरह रखे रहिएगा और उसमें थोड़ा टाइमिंग देख लेंगे तो ये आपके लिए सही होगा। टाइमिंग आपको मान लीजिए कि 2-4, 10 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद से आपको अंदाजा हो जाएगा सनसिलाइजर का भी और टाइमिंग का भी, उसमें आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 20 से 25 सेकेंड आप उसको धूप में रखेंगे और फिर आप लाएं और उसे धोएं, आपका मीटर मुझे लगता है कि सफिशियंट खुल जाएगा। अगर मान लीजिए कि इतनी प्रक्रियाओं के बाद भी अगर आपका मीटर हार्ड हो गया, बाय द वे अब हार्ड होने का मतलब ये होता है कि उसमें मीटर हमारा खुलेगा नहीं, जो भी हमारा कोटिंग होगा वो सख्त हो जाएगा और कहीं कहीं पे उसमें खुला हुआ होगा। तो अगर हमारा मीटर सख्त हो जाता है तो आप उसे, वैसे मैं इतने टाइम में खोलता हूँ तो मेरा मीटर बिल्कुल सफिशियंट खुल जाता है। मैं अपने हिसाब से प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग 20 से 25 सेकेंड, 20 सेकेंड ही रखें, 20 सेकेंड के नीचे भी रखेंगे तो आपका मीटर खुल जाएगा। 15 से लेकर 25 सेकेंड के बीच में आप रख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कोई मशीन तो है नहीं, कोई की स्विच दबा दिए और वो हो गया, तो इसमें आपको धूप में ले जाने में और फिर लाने में भी कुछ इसमें टाइमिंग लग सकते हैं। तो आप 15 से 25 सेकंड के अंतराल में आप कभी भी उठा सकते हैं, अगर इससे ज्यादा टाइमिंग होगा तो हो सकता है आपका मीटर हार्ड हो जाए। तो देखिए, अगर आपका मीटर हार्ड हो जाता है, हार्ड होने का मतलब ये होगा कि उसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा, इस तरह का इसमें प्रॉब्लम आता है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा तो आप जो है डिकोटर घोलकर उसमें यूज कर सकते हैं, और डिकोटर अगर थोड़ा सा घोलकर आप यूज करके उसे छुड़ा सकते हैं। और अगली बार से आपको ध्यान ये रखना है कि हमने 20 सेकेंड रखा और मीटर हमारा कुछ हार्ड हो गया तो आप उसे 15 सेकेंड टाइमिंग कर देंगे। अगर 15 सेकेंड कर देंगे तो बिल्कुल सफिशियंट खुल जाएगा। 15 से 25 सेकेंड और 10 से 15 बूंद सनसिलाइजर, इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखिए, 10 से 15 बूंद सनसिलाइजर और 15 से 25 बूंद 25 मिनट के 25 सेकेंड के बीच में, थोड़ा कहने में मुझे वो हो जा रहा है, तो 10 से 15 बूंद सनसिलाइजर और 15 से 25 सेकेंड आपका टाइमिंग होना चाहिए। इस बीच में आप ये बिल्कुल सफिशियंट आपका मीटर खुल जाएगा। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर आपका मीटर धुल जाता है तो आप, अगर मीटर आपका पूरी तरीके से धुल जाता है तो हो सकता है कि आपका फ्रेम सही तरीके से धोया नहीं गया हो, इसलिए आपका मीटर उस पे धुल जाएगा, नहीं तो धुलना नहीं चाहिए। अगर धुल जाता है या कहीं कहीं पे मान लीजिए कि वो लिप जाता है या जाली जाली करके आ जाता है तो आप उसका थोड़ा सा टाइमिंग इसमें धूप में 2 से 4 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंतराल में मान लीजिए कि आपका मीटर हार्ड हो सकता है, इसलिए धूप में आपको लाइट बॉक्स की अलग बात है, लाइट बॉक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ
उसमें टाइमिंग ज्यादा लगते हैं और सेंसिटाइजर भी ज्यादा लगता है, लेकिन उसके वनस्पत आपको इसमें 10 से 15 बूंद ही आपको सेंसिटाइजर लगेगा और 15 से 25 सेकंड आपको टाइमिंग लगेगा। इस फॉर्मूले को आप लोग बिल्कुल सही तरीके से याद रखेंगे तो बिल्कुल आपका मेटर खुलना ही खुलना है। इसमें मेटर खोलने में है ही क्या, आप लोग इसे थोड़ा देखिए। आप नए हैं तो प्रॉब्लम आना वाजिब है, कोई भी है अगर किसी काम में वो नया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आता ही आता है। नया जो है वो प्रॉब्लम का ही दूसरा नाम नया होना होता है। आप सीख जाएंगे बिल्कुल आपके लिए इजी खेल बन जाएगा। आज मैं ना टाइम देखता हूँ और ना सेंसिटाइजर का मात्रा देखता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज हो गया है कि हाँ इतना इसको मैं डालूंगा इतना इसको मैं डालूंगा तो सफिशियंट खुल जाता है। और मान लीजिए कि वीडियो वगैरह देख के भी तो बहुत से लोग सीख गए हैं और बहुत से लोग अपने कार्य में कार्यरत हो चुके हैं। तो आप करेंगे और कोशिश करेंगे, आप इसमें आप वीडियो सही तरीके से देखिए, गीत संगीत के जैसा राह चलते हुए वीडियो मत देखिए, उसे शांति से आप वीडियो जब देखेंगे तो आपको उसमें समझ पड़ेगा। आपका ध्यान उस पे लगाएंगे तो आपका मान लीजिए कि स्किल डेवलप होगा। और उस हिसाब से ऐसा भी आप कर सकते हैं कि वीडियो देखते हुए आप उस प्रक्रिया को अगर एक एक करके करते चलें तो ये आपके लिए सफिशियंट होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि गर्मी के मौसम में मुझे जो मेटर खोलने का जो भी प्रक्रिया है बताना, मैं उसे आपको बता चुका हूं। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कमेंट्स का रिप्लाई तो मैं अक्सर करता हूं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।